सरकार जहां कोई प्रोजेक्ट लेके जाती है सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, मार लाठी डंडा सब चालू होने लगे। इसलिए नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री कहें कि अब हम किसी से बात न करने वाले, कोई सड़क चौड़ा ना करेंगे हम यहाँ, तो बहुत विजनरी पर्सन है नितिन गडकरी। राजधानी जब बनाया जाता है तो उसको अच्छे से ये सोच के बनाया जाता है, जहाँ विधानसभा रहे उसके बगल में ही राज्यपाल का भवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस वहीं हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, सचिवालय, क्योंकि मुख्यमंत्री छोटे लेवल पे तो बात जाके डिस्कस करने नहीं होगा, वो तो हेड से लेगा, हर डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, तो इतना डिपार्टमेंट हो जाते हैं। उसके बाद जितने बड़े अधिकारी होंगे उनको बंगला देना जरूरी है, हाई कोर्ट के जज होंगे लोग, सेक्रेटरी होंगे, सीनियर सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, तो उनका बंगला, उनका ऑफिस, तो ये बड़े डिपार्टमेंट, ये ज़रूरत भी होते हैं उन लोग का डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। तो राजधानी बनाना इतना खिलवाड़ नहीं होता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है राजधानी को डेवलप करना। लेकिन जितने बाद में शहर बनते हैं ज़्यादा डेवलप बनते हैं, क्योंकि वो आज के आधुनिक मतलब मानकों पर बनाए गए। पहले गाड़ियाँ कम थी, पटना को जब बसाया गया था तो अंग्रेजों के समय एक ये पतल सड़क है, एगो गाड़ी आएगी तो एगो रुकल रहेगी, समझ में आ गया कि नहीं। बिहार में जो सड़कें हैं वो एक्चुअल में सर्विस लेन है, एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है, फोर लेन बन। हमारे यहाँ जो बिहार में सड़कों में देखिए ना, गांव में लोग अच्छा सड़क किसको कहते हैं, जो चिकना हो बस, चौड़ा से उसको मतलब नहीं है, चिकना उसी सड़क पे आ रहा है, उसी सड़क पे जा रहा है, एक्सीडेंट की बहुत भयानक समस्या होती है, कोई नियम कानून नहीं है, खाली मिला तो चाप दिया इधर से उधर। होना क्या चाहिए सड़कों पे, आधुनिक समय में सड़कें कैसे बन रही हैं, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, और बीच में बहुत चौड़ा सड़क डिवाइडर बनाया जा रहा है, उसमें पेड़ लगाया जा रहा है कि इनकेस पेड़ काट के और चौड़ा किया जा सकता है, और दाहिने भी लगभग 20 फीट दूरी तक पेड़, और बाएं भी 20 फीट दूरी पर पेड़, ताकि आने वाले 100 साल में जब जगह बढ़ाना पड़े तो झमेला ना हो। पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रदूषण भी कम कर देगा और कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं तो बिहार में सरकारी ज़मीन कब्जा करना एक तरह से मतलब शौक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सरकार जहाँ कोई प्रोजेक्ट लेके जाती है सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, मार लाठी डंडा सब चालू होने लगता है। ये एक चैलेंज का काम है बिहार में भूमि अधिग्रहण करना। अगर सड़क बनेगी तो भाई जमीन तो जाएगी जाएगी, अब वहाँ सरकार को चाहिए कि जिन किसानों से जमीन लेते हैं उसे एट ए टाइम उसका पैसा दे के फाइनल करें। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि वहाँ मांग होती है कि हमको नौकरी चाहिए, दामाद को इसमें इंजीनियर बनाइए, बेटी का इसका मालिक बनाइए, हमारा इसमें सुपरवाइजर बनाइए, मेटा मैनेजर सब, मतलब गांव में अगर पायलट बन गया तो कहेगा हमारे को बेटो पायलट बन, तो अगर एयरपोर्ट बनेगा ना तो हम बेटा को पायलट बनाए में बहुत समस्या होती, बीच में नेगोशिएशन वाली बात होती। अब ऐसा कभी हो सकता है कोई विकास का काम हो ये सब भूमि अधिग्रहण हो, इसलिए नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री उनको भी ये समस्या बहुत झेलना पड़ा, कहें कि अब हम किसी से बात न करने वाले, कोई सड़क चौड़ा ना करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सड़क के अगल बगल में लोग बस गए, दूसर दूर से सड़क निकाल दिए, गांव चौड़ा में जिसका जमीन 50-60 हज़ार रुपया कट्ठा है, गढ़ा गुढ़ही तालोल में कोई पूछिए नहीं रहा था, जा इधर से निकालेंगे। उससे फायदा क्या हुआ, जमीन मिल गया सस्ता, सड़क हो गई सीधी, अच्छा 20 सड़क मिलेंगे तो जय पुरनका बसल है दहीने बाएं दहीने जाए, यहाँ पे झमेला नहीं, अब बनाने में भी कोई झमेला नहीं, जो वर्तमान सड़क को चौड़ा करेंगे तो उसको रोकना पड़ेगा, ग्रीन फील्ड उसे क्या कहते हैं ग्रीन, अच्छा उसी को चौड़ा करेंगे तो ब्राउन फील्ड में झमेला है, महंगा पड़ जाता है, ग्रीन फील्ड महंगा नहीं, ग्रीन फील्ड से सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या, नए नए शहर के विकास की संभावना बढ़ जाती है, नए जगह से गांव सड़क निकल जाएगा, अब उस सड़क के किनारे सबसे पहले हवा भरने का दुकान खुलेगा मैकेनिक वहां पे गाड़ी पंचर वंचर हो जाए वहां पे, जैसे खुल गया उसके बगल में चाय ढाबा, समझना क्या कि नहीं, लाइन होटल धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो शहर बसने की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, 10-15 साल में बसता है, तो बहुत विजनरी पर्सन है वो नितिन गडकरी, थोड़ा सा बस बिहार को उतना नहीं आते जाते हैं आना चाहिए यहाँ पे, बुलाया जाए किसी दिन उनको भाई, यहाँ पे भी ध्यान दिया जाए।